राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तरह आंदोलन करने की अपील हुई। मस्जिदों में इंदौर से पूरे देश को दिया गया बड़ा संदेश, हिंसक नहीं अहिंसक आंदोलन करें। मस्जिदों में चलाया गया हस्ताक्षर अभियान। शांति से मस्जिदों के अंदर हस्ताक्षर करती हुई यह उंगलियां देश के उन शांति पसंद मुस्लिम युवकों की हैं जो इस देश में सांप्रदायिक एकता के साथ सिटीजन अमेंडमेंट बिल का विरोध कर रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा इस बिल को लाए जाने के बाद से ही पूरे देश में अलग अलग तरह से विरोध हो रहा है, लेकिन इंदौर से एक संदेश पूरे देश को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का दिया गया है। वह भी मस्जिदों से इंदौर की आइम्मा काउंसिल से निर्णय लिया था कि वह विरोध का तरीका बदलेंगे। यही वजह रही कि मस्जिदों में ही शांति की अपील की गई और कहा गया कि विरोध करें, जरूर करें, तब तक करें जब तक यह कानून वापस नहीं ले लिया जाता, लेकिन उसका तरीका बदल लें। अंग्रेजों की लाठी खाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देश को आजादी दिलाई थी, उसी तरह से कानून से भी देश को मुसलमानों को आजादी दिलाई जाए। देखिए, अभी जो मुल्क के हालात हैं वो अच्छे नहीं हैं। ऐसा लगता है कि पूरा मुल्क अंगारों पर बैठा हुआ है और इसके पीछे बड़ी वजह और हकीकी वजह यही है कि जो हमारी गवर्नमेंट ने एक ऐसा कानून पास किया है कि जिसकी ना तो कोई ज़रूरत थी ना हाजत थी, और इससे मुल्क के अंदर तकसीम के हालात पैदा करना और झगड़े के हालात पैदा करना, इसका उसकी पूरी ज़िम्मेदारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होती है। और ये एक जमहूरी मुल्क है, यहाँ पर लोकतंत्र है, तो वही चीज़ें आना चाहिए कि जिसको आवाम पसंद करते हैं, आवाम के फ़ायदे की है। एक तकसीम तो हम झेल चुके हैं और उस तकसीम में कितना नुकसान नागरिकों का हुआ, मुल्क का हुआ, कितनी जानें गईं, वो सारी चीज़ें तारीख में महफूज हैं, सब लोग जानते हैं। और यहाँ पर कोई भी चीज़ मज़हब के आधार पर आप कैसे कर सकते हैं कि जब हमारे आईन में साफ लिखा हुआ है कि कोई भी कानून यहाँ मज़हब पर आधारित नहीं हो सकता। यहाँ तो आप जो कानून भी बनाएंगे वो तमाम लोगों के लिए यकसा लागू होना चाहिए, तमाम लोगों का उसमें फ़ायदा होना चाहिए। रही दीनी बातें, तो दीनी बातों की पाबंदी, दीनी बातों की आज़ादी हमारे आईन ने हमें दी है। मुस्लिम अपने एतबार से ज़िंदगी गुजारे, सिख अपने एतबार से, हिंदू अपने एतबार से, तो ये एक आईन का कत्ल है। और हमारा जमहूरी हक है कि हम एहतजाज करें, लेकिन हम चूँकि इस बात के दाई हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे कि अमन के साथ एहतजाज होना चाहिए, शांति के साथ होना चाहिए, ये हमारे असलाफ और बुज़ुर्गों का तरीका रहा है। और एक बड़ा इनकलाब के जिसका सेहरा गांधी जी के सर है, उन्होंने शांतिपूर्वक एहतजाज ही किया और उन्होंने अंग्रेज़ों को हथियार डालने पर मजबूर कर दिया। हम भी चाहते हैं कि मुसलमान और वो तमाम लोग कि जो आईन से में यकीन रखते हैं, संविधान में यकीन रखते हैं और वो हमारे शाना बशाना चल रहे हैं, हम उनके शुक्रगुजार भी हैं, तो हम चाहते हैं कि सब लोग इसी तरीके से शांतिपूर्वक तरीके से एहतजाज करते रहें। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये एहतजाज हम जीना बजीना ऊपर चढ़ेंगे और ये जारी रहेगा, लेकिन कहीं भी शांति इसमें भंग नहीं होगी, हमारा ऐसा मानना है और हमारी ऐसी ही कौम को ताकीद। ये कानून बहुत ज़्यादा गलत है और ख़ास तौर से वो जो जमहूरियत पसंद लोग हैं और जो धर्म निरपेक्ष लोग हैं, इन सब लोगों को इसके अंदर आके खुल के इसका सामना करना चाहिए, क्योंकि धारा 314 जो है, धारा 14 जो अपने को जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के अंदर जो भेदभाव नहीं करती है, उस धारा पे हमला है, ना कि मुसलमानों पे हमला है। आज इस धारा पे अगर हमला हुआ है तो ये अपने संविधान खतरे में मानो, कि संविधान की हिफाजत के लिए सब लोगों को साथ में आना चाहिए, हिंदू को, मुसलमान को, सिख को, ईसाई को, जैन को, पारसी को, बौद्ध को, ये जितने भी लोग बोल रहे हैं ये सबको साथ में आना चाहिए। जो अमित शाह, बिल्कुल 100% इसको बांटा जा रहा है। देखो, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकउल्लाह खां, जिन्होंने देश के लिए, कौम के लिए, आज़ादी के लिए लड़े, और यहाँ तक कि उनकी अंतिम इच्छा भी ये थी कि अगर हमको टांगा जाए फांसी पे तो एक ही रस्सी उपयोग में करी जाए और एक ही रस्सी से दोनों को टांगा जाए। ये इस कदर कौम के लिए जज्बा था और हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जज्बा था, हिंदू मुसलमान कंधे से कंधा मिला के लड़ते थे। आज वो जो मोहब्बत थी, वो खलूस थी, ख़त्म होते जा रहा है। और ख़ास करके मैं, आप पत्रकार हैं, मीडिया वाले भाई हैं, मैं आप पत्रकारों से भी गुजारिश करता हूँ कि ये निष्पक्ष रूप से पत्रकार करें और किसी भी हिंदूवादी संगठन का या किसी सिखवादी संगठन का या किसी मुस्लिमवादी संगठन का या किसी ईसाई संगठन का सपोर्ट नहीं करना है।
आपको जो भी बोलना हक बयान ही करना है, सच जो है वो सच सामने लाना चाहिए आपको। बात सुनो, हिंदू और मुसलमान ये दोनों एक ही लोग हैं, इसमें बेवजह की बकवास करके और फालतू के कानून लागू करके इनका कुछ भी नहीं होना है। जो होता है हिंदू मुसलमान सब एक है, और इसमें ये सोचे कि हम लोगों को गुमराह करके और देश की तबाही कर देंगे तो ये मुमकिन नहीं है। ये जो भी कर रहे हैं इनको चाहिए कि मुसलमानों से इतना मुखालिफ होना ही नहीं चाहिए। देश के बड़े हमारे कौन थे? गांधी जी। गांधी जी को सब मुसलमानों ने सहयोग दिया था कि नहीं दिया था, इसका मेरे को सवाल का जवाब दे देवे पहले तो। और अगर दिया है तो क्या मुसलमानों ने गलत करा था? आज की तारीख में भी हिंदू मुसलमान एकता से रह रहे हैं। मेरे तकरीबन दोस्त सब हिंदू हैं, तकरीबन ये समझ लो आप। और हम कभी ये नहीं चाहेंगे कि देश में ये आपत्ति आ जाए। इस वजह से मोदी जी को ये फरमाइए कि भाई यहाँ आपका ये काम नहीं चलेगा। इंदौर के मुसलमान हर हिंदुओं से मिले हुए हैं, सबसे प्यार मोहब्बत करते हैं और करते रहेंगे। आपके कहने से कुछ भी नहीं होगा।